हिमाचल में प्रतिभा सिंह का पत्ता कैसे कटा और सुखविंदर सिंह सुक्खू कैसे बने मुख्यमंत्री, इसके पीछे है कांग्रेस का लॉन्ग टर्म प्लान। कभी चाय वाला का मजाक बनाने वाली कांग्रेस अब हिमाचल के नए मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू का परिचय ड्राइवर के बेटे के तौर पर दे रही है। सोशल मीडिया में सुक्खू को मिलने वाली बधाई से ज्यादा संदेश इस बात के हैं कि कांग्रेस ने एक कॉमन मैन को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। कांग्रेस के इस कॉमन मैन वाले नए नैरेटिव के पीछे आखिर क्या है? क्या परिवारवाद के आरोपों से छुटकारा पाने की कवायद है? कांग्रेस की स्ट्रैटेजी की डिकोड करती आप ये रिपोर्ट देखिए। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं दिल्ली द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अड़तालीस घंटे लगाकर बड़ी जद्दोजहद करके आखिर कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के सिर पर हिमाचल प्रदेश का ताज पहना दिया। सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने पार्टी में बगावत का रिस्क जरूर लिया है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लेकिन कांग्रेस किसी भी हालत में सुक्खू को ही सीएम बनाना चाहती थी, इसके पीछे उसकी स्ट्रेटेजी है। कांग्रेस का ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट के साथ ही एक तस्वीर है और इस तस्वीर में ही कांग्रेस की आगे की राजनीति छिपी है। पहले इस तस्वीर को डिकोड करते हैं। बस ड्राइवर का बेटा, दूध बेचने का काम किया, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष, यूथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश। राजनीति नैरेटिव का खेल है और कांग्रेस सुखविंदर सिंह सुक्खू के जरिए लोगों को संदेश देना चाहती है। पहला संदेश, आम कार्यकर्ता बड़े पद पर पहुंच सकता है। दूसरा संदेश, राजा के परिवार से ही राजा नहीं बनेगा। तीसरा संदेश, कांग्रेस परिवारवादी पार्टी नहीं है। हिमाचल में हुई जीत कांग्रेस के लिए मौका बन गई कि इसके जरिए पार्टी की छवि को बदला जाए, यह संदेश दिया जाए कि बस ड्राइवर का बेटा और दूध बेचने वाले को भी कांग्रेस आला कमान तरजीह देता है। सुबह से ही सोशल मीडिया पर हिमाचल के साथ कांग्रेस वाला हैशटैग ट्रेंड करने लगा। राजस्थान कांग्रेस, तेलंगाना कांग्रेस, आंध्र प्रदेश कांग्रेस, दमन दीव कांग्रेस, बिहार कांग्रेस, कर्नाटक कांग्रेस, एनएसयूआई, कांग्रेस से बदल, सबके ट्वीट का टेक्स्ट एक जैसा ही और इसका मतलब ये कि बस ड्राइवर के बेटे का मुख्यमंत्री बनने का चमत्कार सिर्फ कांग्रेस में ही हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए, हमारे तमाम कांग्रेस जनों के लिए देवभूमि से एक संदेश गया पूरे देश को कि सरकार जो केंद्र में है और जो यहाँ की सरकार थी उनकी नीतियां और सोच गलत थी। कड़ा मुकाबला हुआ है, जीत कांग्रेस ने दर्ज की है। हमें अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। दोनों अनुभवी हैं, मुख्यमंत्री भी और उप मुख्यमंत्री भी। सबसे बड़ी बात है कि एक साधारण परिवार से एक कार्यकर्ता जो छात्र संगठन से आगे बढ़ते हुए युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने, प्रदेश कांग्रेस के बने, वो मुख्यमंत्री बने। उनको जन समर्थन है, लोकप्रिय भी हैं, विधायकों का भी समर्थन है। और ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये सोच बदलेगी, नीतियां बदलेंगी और जो लोगों को पसंद होगा वही होगा। बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं आगे के लिए, क्योंकि दो राज्य थे कांग्रेस के पास में, आज तीन हो गए हैं, हो जाएंगे, तो हमारे लिए बहुत खुशी का क्षण है। और कांग्रेस वाले बहुत ही खुश भी हैं, प्रदेश वाले खुश हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जो वादे किए थे उन वादों पे हम खड़े उतरेंगे। नई शुरुआत हिमाचल के लिए होगी। मैं
हम सभी बड़े खुश हैं और कार्यकर्ताओं में जोश है। ये धारणा जो पैदा करने की कोशिश की जा रही थी कि उत्तर भारत में भाजपा को हराया नहीं जा सकता, वो धारणा को विराम लग गया है। बड़े उत्साह से लोगों ने चुनाव लड़ा है। हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद सभी वादों को हम पूरा करेंगे और एक जमीनी कार्यकर्ता को पार्टी ने आज मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया है। प्रदेश अध्यक्ष रहकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हिमाचल के विकास में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। सोशल मीडिया पर कांग्रेस समर्थक बस ड्राइवर के बेटे के मुख्यमंत्री बनने वाली बात को ही हाईलाइट कर रहे थे। अब तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और पार्टी यह दावा कर रही है कि तीनों राज्यों में उसने जो मुख्यमंत्री बनाए हैं वो तीनों ही साधारण परिवार से आते हैं। अशोक गहलोत जादूगर के बेटे, भूपेश बघेल किसान के बेटे और सुखविंदर सिंह सुक्खू बस ड्राइवर के बेटे। कांग्रेस और उनके समर्थकों के सोशल मीडिया पर दिए गए मैसेज में कुछ शब्द कॉमन हैं। आपके बीच का व्यक्ति मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी आमजन की पार्टी है, नई राजनीति की शुरुआत। कांग्रेस की यह नई राजनीति क्या है? दरअसल पिछले 8 सालों में कांग्रेस लगातार चुनाव दर चुनाव सिमटती जा रही है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि आम जनता के साथ कांग्रेस का कनेक्ट कम है, यही वजह है कि कांग्रेस लोगों के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश में है। सुक्खू को प्रतीक बनाकर कांग्रेस आगे का एजेंडा सेट कर रही है। सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो था उनका हम्बल बैकग्राउंड। सुक्खू के पिता हिमाचल रोडवेज में ड्राइवर थे, शिमला में दूध डेयरी चलाई, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से राजनीति की शुरुआत की, 2 बार पार्षद और 3 बार विधायक रहे, कांग्रेस के साथ करीब 4 दशक से हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस बात को समझते हैं कि आम आदमी वाला ये टैग उनकी सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए वो बार बार इसे याद दिलाना नहीं भूलते। हिमाचल की जनता का मैं हमेशा धन्यवाद दूं कि एक आम परिवार के नागरिक को आपने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी दी है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद दूं, पूरे तन मन से सेवा भाव करूंगा। पहाड़ में अभी जनता सरकार जी, आम आदमी की सरकार जी, आप सब भाई बंधुओं की सरकार। उस समय एक रिवाज था कि भाई नौकरी लग जाओ यार, सरकारी नौकरी मिल जाए तो राजनीति छोड़ो। तो मैं तो मेरी माता जी बोलती थी आपका कुछ होगा भी कुछ चले रहते हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, हम मेरे दिल में शुरू से बचपन से ही पड़ोस में होते थे ना, तो कई उस समय मार्केट दूर होती थी तो कभी किसी के साथ चले जाना, कभी किसी के साथ चले जाना, तो भावना शुरू से लीडरशिप की रही। इसीलिए मैं 17 साल की उम्र में सीआर बना, पीयूसी होती थी गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में, 18 साल में फिर सीआर बना, 19 साल में जनरल सेक्रेटरी बना और फाइनल ईयर में कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, गवर्नमेंट कॉलेज संजोली का और कोटशेरा का। शिमला के दोनों कॉलेज का मैं ही एक इकलौता प्रेसिडेंट हूँ और एक हमारे संदीप कौशिक जी होते थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे, वो दोनों वो मेरे उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये हम लोग आज आम घरों से निकले हुए लोग हैं, अनुभव भी है, लोगों के बीच के दुख को भी जानते हैं और योजनाएं क्या लागू करनी है उसको भी जानते हैं। इंतजार कीजिए, थोड़ा समय देना पड़ता है, पहले तो जो व्यवस्था है उसको समझना पड़ता है। और मैंने पहले कहा कि सत्ता, हम सत्ता के लिए नहीं आया, हम व्यवस्था के लिए आया। हिमाचल चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान शुरू हो गई थी। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह सीएम की कुर्सी पर दावा कर रहे थे, उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान सुखविंदर सिंह सुक्खू को ही सीएम बनाने का मन बना चुका था। अब विक्रमादित्य सिंह को कैबिनेट में जगह देकर इस झगड़े को शांत किया जाएगा। जो जो भी पार्टी हाईकमान ने निर्णय लिया है उसका हम स्वागत करते हैं और मुझे विश्वास है कि एक तालमेल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे नए मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ये कहा है कि देर हैज टू बी कोऑर्डिनेशन, देर हैज टू बी कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट, सो वी हैव टू वर्क एज अ टीम। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर जगह पे दी जाती है, जरूरी नहीं है कि हर चीज एक मुख्यमंत्री पद से ही होता है, वी हैव टू वर्क एज अ टीम और उस टीम में बहुत से दायित्व होता है। तो अल्टीमेट एजेंडा इज टू सर्व द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट कैन बी इन एनी कैपेसिटी, तो उसको हम उसमें हम हाईकमांड का जो निर्णय है उसका हम उसको स्वीकार करते हैं, उनकी विजडम को हम सलाम करते हैं एंड वी विल वर्क एज अ टीम। और हिमाचल की जनता की एक्सपेक्टेशंस को पे हम सब मिलकर खरा उतरेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। हिमाचल में सिर्फ सुक्खू के जरिए ही नहीं,
शपथ ग्रहण में आए गांधी परिवार के हाव भाव और उनके कपड़ों के जरिए भी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश है कि राहुल और प्रियंका भी आम लोगों की तरह ही है। अब सवाल ये है कि आम आदमी वाली इस पॉलिटिक्स के पीछे वजह क्या है? वजह है परिवारवाद के आरोप। मेरा जन्म भी गुजरात के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। गांव की संस्कृति, संस्कार और हमारे यहां जुड़े संघर्षों ने हमारे जी से जैसे कितने ही लोगों को तनाशा, हमारे संस्कारों को मजबूत किया। यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है। भारत में गांव में पैदा हुआ गरीब से गरीब व्यक्ति भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच सकता है। लेकिन भाइयों और बहनों, आज जब हम लोकतंत्र की इस ताकत की चर्चा कर रहे हैं तो हमें इसके सामने खड़ी परिवारवाद जैसी चुनौतियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ये परिवारवाद ही है जो राजनीति ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला घोंटता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। वैसे साथियों, मैं जब परिवारवाद के खिलाफ बात करता हूं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक बयान है। मैं किसी राजनीतिक दल के खिलाफ बात कर रहा हूं, वैसा प्रचार होता है। मैं देख रहा हूं कि जो लोग परिवारवाद की मेरी व्याख्या में सही बैठते हैं वो मुझसे भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं। देश के कोने कोने में ये परिवारवादी मेरे खिलाफ अब एकजुट हो रहे हैं। वो इस बात से भी नाराज है कि क्यों देश का युवा परिवारवाद के खिलाफ मोदी की बातों को इतना गंभीरता से ले रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद वाली राजनीति पर जिस तरह कड़ा प्रहार किया है उससे लोगों का माइंडसेट बदला है और कांग्रेस के घटते जनाधार के पीछे बीजेपी की यह रणनीति कारगर साबित होती जा रही है। ...2014 से परिवारवाद वाली कांग्रेस की राजनीति के चलते बीजेपी के सीधे टारगेट पर राहुल गांधी हैं। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने उन्हें शहजादा कहकर की थी। शौर्य और श्रम की इस धरती पर एक कामगार नामदार के खिलाफ लड़ाई के मैदान में है और तब आप ही में से एक, आपसे जरा भी अलग नहीं, जो जिंदगी आप गुजारते हैं वही जिंदगी मैंने गुजारी है। न आप सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, न मैं सोने का चम्मच लेकर पैदा हूं। न आपके माता पिता दादा दादी कभी राज करते थे, न मेरे माता पिता दादा दादी कभी राज करते थे। पहली बार आपके बीच से पला बढ़ा एक कामदार आज फिर से एक बार नागौर की संत की भूमि, सुरवीरों की भूमि, भक्तों की भूमि, ये कामदारों की भूमि, एक कामदार आपसे आशीर्वाद मांगने आया है। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की हार से ये साफ है कि परिवारवाद वाला जो तीर बीजेपी ने चलाया है वो सही निशाने पर जाकर लगा है। कांग्रेस परिवार की पार्टी, राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं से कनेक्ट नहीं, राहुल गांधी जमीनी नेता नहीं, गांधी नाम के चलते पार्टी की कमान, पार्टी में परिवार वाले नेताओं की कद्र। कांग्रेस लगातार इस बात की कवायद कर रही है कि परिवारवादी पार्टी वाले लेवल से उसे छुटकारा मिल जाए। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। 24 साल बाद पार्टी ने गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष चुना। दलित मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी की कमान दी गई। जनता से कनेक्ट बनाने के लिए राहुल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और अब हिमाचल में ड्राइवर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया गया है।
2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को चाय वाला बताकर आम लोगों के साथ खुद को जोड़ा था, अपने संघर्ष की कहानी से लोगों का दिल जीता था। तब कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा था। कांग्रेस नेताओं के प्रधानमंत्री पर ऐसे हमलों का असर उल्टा हुआ। 14 में मोदी ने चाय वाला बताकर खुद को प्रमोट कर लिया तो 2019 में उन्होंने खुद को चौकीदार के रूप में प्रमोट किया। आप सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आपका ये चौकीदार आपके बीच आया है। मेरे साथ एक नारा देंगे आप? पक्का देंगे? लेकिन फिर आपको निभाना पड़ेगा। निभाएंगे? मैं कहूंगा मैं भी चौकीदार सजग अच्छी मो भी चौकीदार। अब ड्राइवर का बेटा, जादूगर का बेटा, किसान का बेटा मुख्यमंत्री वाला प्रचार करके कांग्रेस बीजेपी की स्ट्रेटजी पर ही आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है और इन मुख्यमंत्रियों का बैकग्राउंड बताकर कांग्रेस आम आदमी वाला कार्ड खेल रही है। हिमाचल तो सिर्फ जरिया है, तैयारी 2024 की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।